नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ीवेद पुष्पा श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मेरे बेटे वरुण ने मुझे एक मॉडल बना के दिया है कोरोना का। ये देखिए, इस तरह से कोरोना इस तरह से आजकल दिखता है। मेरे दिमाग में एक उसी ने डाला है कि मम्मी धतूरा भी तो इस तरह से ही दिखता है। ये देखिए देखिए, धतूरों को देखे और इसको देखें, ये तो वही जैसे ही दिख रहे हैं। अब धतूरा ये पौधे को हम बहुत पवित्र मानते हैं। धतूरे के बारे में मैं बतला दूँ कि इनका आपस में क्या संबंध है ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, ना किसी ग्रंथ में है। दोनों के आकार को लेकर मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाह रही हूँ। धतूरा में औषधि गुण बहुत अधिक है, इसीलिए शिव जी को प्रिय है। जो भी पौधा, जो भी फूल और जो भी फल ईश्वर को जो चढ़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं उससे संबंधित उसमें औषधीय गुण होते हैं। तो धतूरे से हम लोग काफ़ी औषधियाँ बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है। कनक कनकते सौ गुना मादकता अधिकार। तो जैसे बताते हैं कि धतूरे से भी इतनी ज़्यादा उन्माद होती है, नशा चढ़ता है। तो कहाँ इनके कैसे संबंध है ये तो खैर नहीं बता सकती हूँ। रही धतूरे की बात, तो धतूरा यूं खाया नहीं जाता है, लेकिन हम इसके कई उपयोग करते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बतलाऊंगी, क्योंकि जहरीला पौधा है ये। ईश्वर को आप चढ़ाएं, शिव जी को चढ़ाएं, शिव जी का बहुत प्रिय पौधा है ये और बहुत ही फायदेमंद है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बताई थी कि कफ निकालने के लिए इसकी पत्तियों के, तो इसमें कई वेराइटी आती है। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताई थी कि सूखे पत्ते, तो आप गीले पत्तों को इसको पीस के और इसका रस में कागज़ डुबो के सूखो के उसके धुआं पिए तो कफ निकलता है। तो देखिए, अब अनुसंधान का विषय है ये, मेरा निजी विषय नहीं है। देखिए, अगर समय रहा तो करेंगे किसी तरह का कुछ अनुसंधान, पर हाँ मुझे लगता है अवचेतन मन से कि कहीं ना कहीं इसका संबंध कफ से तो है ही, और आकार में भी वैसा ही है। तो देखेंगे, करेंगे। नमस्कार, भगवान धन्वंतरि आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे।